दोस्तों अब जियो वसूलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर अब आप जियो के नंबर से किसी दूसरे ऑपरेटर के नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप जियो से एयरटेल, जियो से आइडिया, जियो से वोडाफोन, जियो से BSNL पे कॉल करते हैं तो जियो के लिए आपको अलग से कराना होगा टॉपअप, तभी आप दूसरे नंबरों पे कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर पाएंगे। मीन्स जियो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ आप जियो से जियो ही बात करें, वो भी फ्री में। अगर आप जियो से दूसरे नेटवर्क पे बात करना चाहेंगे तो वो आपसे पैसा वसूलेगा। मीन्स आप कह सकते हैं दोस्तों कि जियो की मोनोपोली स्टार्ट हो गई। मतलब जियो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी का नेटवर्क रहे पूरे इंडिया में। मीन्स अगर हम देखें तो इस जियो के स्ट्रेटजी पे, इसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे दोस्तों ये टैगलाइन बहुत ही सही बैठती है कि पहले पकड़ाई लत, फिर उससे कमाएगा दौलत। जी हाँ दोस्तों, फिर उससे कमाएगा दौलत। आज के न्यूज़ में दोस्तों है कि अब जियो से कॉलिंग नहीं होगी फ्री, दूसरे नेटवर्क पर कॉल के लगेंगे पैसे, कराना होगा टॉपअप। दोस्तों इस न्यूज़ को चलिए देखते हैं और भी डिटेल में। दोस्तों इस समय है हम आज तक के ऑफिशियल साइट पे और आप यहाँ पे देख सकेंगे जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉल के लगेंगे पैसे, कराना होगा टॉपअप। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप जियो से दूसरे नेटवर्क पे कॉल करना चाहेंगे तो आपको देना होगा एक्स्ट्रा पैसा, जिसके लिए आपको कराना होगा टॉपअप। दोस्तों रिलायंस जियो पर कॉलिंग अब फ्री नहीं रहेगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी समय से इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज को लेकर बहस चल रही है। हाल ही में एयरटेल और जियो के आउटगोइंग कॉल्स के लिए रिंग की अवधि को बढ़ाकर 20 सेकेंड कर दिया है। अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो रिलायंस जियो ने ऐलान किया है कि अब जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए जियो यूजर्स को हर मिनट के लिए 6 पैसे देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मीन्स अगर आप जियो से दूसरे किसी भी नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको देने होंगे 6 पैसे हर 1 मिनट का। जियो से जियो और लैंडलाइन फ्री रहेगा। मीन्स ये जियो चाहते हैं कि सिर्फ आप जियो से जियो कॉल करें ताकि ये फ्री रहे पूरे इंडिया में, सिर्फ इन्हीं का नेटवर्क रहे और ये अपना मोनोपोली राज चलाए। दोस्तों ये अभी इनका मोनोपोली स्टार्ट है। अगर ये पूरे इंडिया में फैल गए, अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर ही रह गए पूरे इंडिया में, तो इनकी मोनोपोली वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी जैसे जब मोबाइल आया था दोस्तों, तो इनकमिंग कॉल के 18 रुपये लगभग प्रति मिनट लग रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 18 रुपये इनकमिंग कॉल के पैसे लग रहे थे और उस 18 रुपये को, लगभग 18 रुपये को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ BSNL जब आया था दोस्तों अपना मोबाइल लेके, तो उसने इस इनकमिंग कॉल के जो चार्ज लग रहे थे उसको ख़त्म किया था। दोस्तों ये रीज़न है BSNL के होने का। अगर जिस दिन BSNL नहीं रहेगा, जिस दिन BSNL नहीं रहेगा, ये सारे प्राइवेट ऑपरेटरों की मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी। ये टैरिफ अपने से सेट करने लगेंगे दोस्तों, ये आप मान के रखिए। चलिए देखते हैं आगे की न्यूज़ को, जिससे आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि एक टेलीकॉम PSU का भारत में होना क्यों ज़रूरी है। अगर टेलीकॉम PSU नहीं है तो सिर्फ अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं तो उनकी मोनोपोली ऐसे ही चलेगी। अभी ये आगे क्या क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे आप देखते रहिएगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखें, 6 पैसे देने होंगे। जियो से जियो के लैंडलाइन फ्री रहेगा। हालांकि इसके साथ ही जियो ने कहा है कि इतने वैल्यू का डेटा यूजर्स को मुफ्त दिया जाएगा। डेटा की दोस्तों वैल्यू अब तो वैसे भी नहीं रही है, तो मेन बात यही है, अब इन्होंने मोनोपोली अपनी स्टार्ट कर दी है, पैसा वसूलना स्टार्ट कर दिया। रिलायंस जियो ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए जियो यूजर्स को अब एडिशनल IUC टॉपअप कराना होगा और ये कॉल यानी 10 अक्टूबर से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, 10 अक्टूबर से यह चार्जेस लागू हो जाएगा। मतलब अगर आपने टॉपअप नहीं कराया है, ये IUC का टॉपअप नहीं कराया है, तो आप दूसरे नंबर पे कॉल नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जियो पे ही कॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप कह सकेंगे पोस्टपेड कस्टमर को भी 6 पैसा हर सेकेंड देना होगा। सबको पैसा देना है, सबसे वसूलेगा भाई अपना, सबसे भाई वसूलेगा, बस आप देखते रहिएगा।
आगे देखिए न्यूज में दोस्तों लिखा है, रिलायंस जियो के कस्टमर चार तरह के टॉपअप वाउचर में से सेलेक्ट कर सकेंगे। ₹10 में 124 मिनट मिलेगा और कंपनी 1 GB डेटा फ्री देगी। 124 मिनट यानी ₹10 का टॉपअप अब कराकर आप दूसरे नेटवर्क पर 124 मिनट तक बात कर सकेंगे। दोस्तों देख सक रहे हैं आप कि आपको अगर दूसरे नेटवर्क पे बात करना है तो आपको ₹10 का टॉपअप कराना होगा, तभी आप 124 मिनट दूसरे नेटवर्क पे बात कर सकेंगे। अगर ₹10 का टॉपअप नहीं कराया है तो आप दूसरे नेटवर्क पे बात नहीं कर सकेंगे। जियो सिर्फ यही चाहता है कि आप जियो टू जियो ही कॉलिंग करें, दूसरे नेटवर्क पे कॉलिंग ना करें। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, दूसरा बाउचर स्टार्ट होता है इनका ₹20 का। जी हाँ दोस्तों, ₹20 में आप इतने मिनट बात कर सकेंगे। स्टार्ट हो गया दोस्तों इनका पैसा वसूलना। अब आगे बात आती है ₹50 की। अगर आप ₹50 का रिचार्ज कराते हैं तो 656 मिनट तक ही आप बात कर सकेंगे दूसरे नेटवर्क पे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इतना ही आप बात कर सकेंगे दूसरे नेटवर्क पे। अगर तीसरे प्लान की देखें तो ₹100 का रिचार्ज कराएंगे तो आप इतने मिनट ही बात कर पाएंगे नॉन जियो नंबर्स पे। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि इनकी मोनोपोली अब स्टार्ट हो रही है। इनको लग रहा है कि हम ही सिर्फ पूरी दुनिया में या फिर हम पूरे भारत में फैल चुके हैं। हम जैसे टैरिफ प्लान अप्लाई करेंगे कस्टमर को लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि BSNL का रहना क्यों ज़रूरी है इंडिया में। अगर BSNL जिस दिन नहीं रहेगा दोस्तों, उस दिन स्टार्ट हो जाएगी मोनोपोली इन प्राइवेट ऑपरेटरों की, और वैसे ही ये चार्ज वसूलना स्टार्ट कर देंगे जैसे कि इनकमिंग कॉल के चार्जेस इन्होंने वसूले थे जब मोबाइल आया था लगभग 2002 से लेकर 2006 के बीच में। आपको अगर याद होगा तो आप मेरे बात को ज़रूर गौर करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों से जिनको, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को भी पता चले जियो के मोनोपोली के बारे में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।